बच्चे छोटे हो या बड़े, सबका मीठे से कुछ ज्यादा ही दोस्ती होती है और ज्यादा मीठा खाने से हो सकती है कैविटी और पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स। तो ऐसे में क्या करें? इसलिए आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा विकल्प जो स्वाद में मीठा है और जिसमें है बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ वर्षा। चीनी के बदले बच्चों को जो दे सकते हैं वो है ताल मिश्री। दोस्तों, ताल मिश्री में है बहुत से एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स। इसमें है पोटाशियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस जैसे मिनरल्स और साथ ही इसमें है विटामिन B12 जो बहुत ही कम खाद्य सामग्री में पाई जाती है। ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स ब्रेन सिस्टम को मजबूत बनाता है, साथ ही एनर्जी लेवल को भी बनाए रखती है। ये पूरी तरह से नेचुरल स्वीटनर होती है, इसमें कोई भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए 6 महीने से बड़े बच्चों को भी ये दे सकते हैं। साथ ही जिन्हें डायबिटीज़ होने का खतरा है उन्हें भी दे सकते हैं। ये महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए जान लेते हैं इसके नियमित सेवन से क्या क्या लाभ मिल सकता है और बच्चों को हर रोज़ ही क्यों देना चाहिए। दोस्तों, ताल मिश्री में है भरपूर मात्रा में आयरन जो खून की कमी को पूरा करने में मदद करती है, साथ ही नींद की कमी को भी दूर करती है। तो अगर आपके बच्चे में भी नींद से जुड़ी कोई समस्या है तो इसे ज़रूर दें। हड्डियां मजबूत बनाएं, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और पोटेशियम पाई जाती है जो दांत और हड्डियों को मजबूत बनाती है और उनसे जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती है। इसलिए ये बच्चों के साथ साथ वयस्क महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। सर्दी खांसी दूर करें, सर्दी हो या गर्मी, बच्चों को सर्दी खांसी की प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है और यदि आप हमेशा दवाइयाँ नहीं देना चाहते हैं तो ये एक अच्छा विकल्प है। छोटे बच्चों को हर रोज़ ताल मिश्री पानी में घोलकर दे सकते हैं जिससे सर्दी खांसी की परेशानियाँ बहुत हद तक कम हो जाती है और अगर बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो उसे ऐसे ही खा सकते हैं। कभी कभी खांसते खांसते गले में दर्द हो जाता है तो ताल मिश्री, काली मिर्च और घी को समान मात्रा में मिलाकर पेस्ट बनाएं और 1 चम्मच खा लें, इससे आराम मिलेगा। पेट में दर्द, ताल मिश्री पेट में दर्द की समस्या का समाधान कर सकती है। अगर लूज मोशन हो तो धनिया पाउडर और ताल मिश्री को बराबर मात्रा में मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लेना चाहिए, इससे लाभ मिलेगा। बच्चों को आप इसे हर दिन पानी में मिलाकर ज़रूर पिलाएं। आप इसे पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं और किसी भी चीज़ में मिलाकर खिला सकते हैं। तो देखा आपने ताल मिश्री के नियमित सेवन से बच्चों को कितना लाभ मिल सकता है। साथ ही इसे बड़े भी नियमित रूप से खा सकते हैं, खासकर महिलाएं। इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। विस्तार में जानने के लिए मेरे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सारे फायदे पाने के लिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होगा कि ताल मिश्री असली हो, उसमें कोई मिलावट ना की गई हो। और इसलिए आज इस वीडियो में 2 ऐसे ताल मिश्री का नाम बता रही हूँ जिन्हें आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं पर बहुत मुश्किल से। दोस्तों, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मेरे पहले 2 वीडियोज़ में भी बहुतों ने मुझसे पूछा था कि कौन सा ताल मिश्री लेना सही है, इसलिए आज मैं इस वीडियो में बता रही हूँ 2 ऐसे ताल मिश्री। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से वो ताल मिश्री कौन से हैं। दोस्तों, पहला है दुलाल चंद्र भौरे ताल मिश्री, जिन्होंने पहली बार ताल मिश्री का निर्माण किया था। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की होती है और आज ये मार्केट में 2 नामों से पाई जाती है। एक है दुलालेर ताल मिश्री और दूसरी है डी भौरे ताल मिश्री। ये दोनों ही ताल मिश्री ऑनलाइन बहुत मुश्किल से अवेलेबल होती है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ला सकूँ। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।